हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुषमा और आज जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप में से काफी लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना होगा। मैं बात कर रही हूँ चिरायता के बारे में। चिरायता एक एंटीबायोटिक औषधि है जो नेपाल, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके फूल बरसात में और इसके फल सर्दियों के मौसम में आते हैं। चिरायता इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसके रोजाना सेवन से शरीर के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और बीमारियां भी दूर रहती हैं। तो चलिए जानते हैं चिरायता और उसके अनजाने गुणों के बारे में। चिरायता को पानी में घिसकर आंखों पर लेप लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है और आंखों की कई अन्य बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। एक ग्लास पानी में 4 चम्मच चिरायते के पाउडर को रात भर भिगोने रख दें। सुबह इस पानी को छानकर आधा आधा कप दिन में 3 से 4 बार पीने से बुखार उतर जाता है। इसके अलावा चिरायते के तेल से शरीर पर मालिश करने से बुखार, पीलिया और कमजोरी दूर हो जाती है। चिरायते के रस को संतरे के रस के साथ मिलाकर दिन में 3 बार पीने से मलेरिया में आराम मिलता है। चिरायता और सौंठ को बराबर मात्रा में मिलाकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को 1-1 कप दिन में 3 बार पिएं। ऐसा करने से शरीर की सूजन खत्म हो जाती है। सोने से पहले चिरायता के पत्तियों को पानी में भिगोकर रखें। सुबह उठकर पानी को छानकर पी जाए। ऐसा करने पर खून साफ होता है और त्वचा संबंधित रोग भी ठीक हो जाते हैं। खुजली, फोड़े फुंसी होने पर इसका लेप लगाने से भी आराम मिलता है। चिरायता सुगंध बाला, गिलोट, कटई, सरीवन, कतेली, गोखरू, सौंठ और पिठवन को हल्का हल्का कूट कर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को पीने से वात कफ के बुखार में आराम मिलता है। चिरायता के रस को पानी या दूध में मिलाकर दिन में 3 बार पीने से रुका हुआ बुखार ठीक हो जाता है। चिरायता के पानी से योनि को धोकर पेड़ू और योनि पर चिरायता का लेप करें। ऐसा करने से गर्भाशय की सूजन कम हो जाती है। चिरायता कुटकी, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, नागर मुठा और इंद्रयाव इन सबकी 10-10 ग्राम की मात्रा में 20 ग्राम चित्रक और 1.5 ग्राम कुटाजा मिलाकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को गुड़ के शरबत के साथ मिलाकर पीने से डायरिया और पेचिश जैसे रोग दूर हो जाते हैं। अक्सर बच्चों को पेट में कीड़े होने की शिकायत होती रहती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए चिरायता, तुलसी का रस और नीम की छाल में नीम का तेल मिलाकर पीने से पेट के कीड़े दूर हो जाते हैं। चिरायते को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका अधिक मात्रा में इस्तेमाल नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले किसी वैद्य या डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसी के साथ चिरायते के फायदों पे बना हमारा स्पेशल वीडियो यही पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। थैंक यू। यदि आपके शरीर का कोई हिस्सा जल गया हो तो बरगद के कोमल पत्तों को पीस कर गाय के दही में मिला लें। अब इस लेप को जले हुए जगह पर लगाने से जलन दूर हो जाती है। अगर बच्चे को दस्त हो गए हो तो नाभि में बरगद के दूध को लगाने से दस्त में आराम मिलता है। बरगद के सूखे हुए पत्तों को जला लें, फिर इसकी 20 ग्राम राख को 100 ml अलसी के तेल के साथ मिलाकर सिर पे मालिश करने से झड़े हुए बाल फिर से निकल आते हैं।